वेलकम टू आवर चैनल लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किट। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मेरा नाम किरण है। हमने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया कि बच्चों को मैथ्स में नंबर कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करना है, उसमें सबसे पहले कौन कौन से सिंपल नंबर्स लेने हैं, इसके बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि बच्चों को 1 से 10 तक सीक्वेंस में कैसे लिखना सिखाना है और उससे रिलेटेड कौन कौन से एक्सरसाइज करवानी है। बच्चों को हमने पिछले वीडियो में बताया कि बच्चों को किस प्रकार से डॉट्स बनाकर हमें लिखना सिखाना है। अब हम इस वीडियो में बताएंगे कि बच्चों को इस तरह से बड़ी ग्रिड की कॉपी लेकर एक सिंगल डॉट बना कर दे ऐसे, ताकि बच्चे प्रॉपर इस ग्रिड पे ही लिखे और यहाँ पर दो डॉट्स बनाते हैं। और बच्चों को लिखना तो आ गया है, बच्चे बोलते हुए लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और जब बच्चे 10 लिखेंगे तो इन्हें बताइए कि 9 के नीचे 0 आएगा और यहाँ पर उससे पहले वाली ग्रिड पे 1 लिखना है और इसमें 0 लिखना है, ताकि बच्चे आगे जाके ये मिस्टेक ना करें। तो हम इनको कहेंगे कि सीक्वेंस में बोलते जाएं और इस तरीके से लिखते रहें। इस तरीके से बच्चों को 1 से लेकर 10 तक डेली लिखने के लिए दें, ताकि बच्चों को बोल बोल के लिखना आ जाए और ये भी पता चल जाए कि किस ग्रेड पे कौन कौन से नंबर्स को लिखना है। बच्चों को नंबर कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए हम बच्चों को मैचिंग करवाएंगे। जैसे पहले सीक्वेंस में लिख के देंगे 1, 2, 3, 4, 5। बच्चों को पहले 1, 2, 5 की मैचिंग करवाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब बच्चों को बोलेंगे इसको बोलते जाए, 1 को 1 के साथ, 2 नंबर को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 नंबर को 4 के साथ, 5 नंबर को 5 के साथ। इस तरह से छोटी छोटी मैचिंग करते रहेंगे। अब बच्चों को हम 6 to 10 की मैचिंग करवाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से बच्चे पहले नंबर्स को पढ़ेंगे और फिर इसको मैचिंग करेंगे। जैसे 6 नंबर को 6 के साथ, 7 को 7 के साथ, 8, 9, 10। इस तरह से बच्चे नंबर को पहचान जाएंगे। बच्चे जब सीक्वेंस में मैचिंग करना सीख जाते हैं तो हम इनको बच्चों को आगे पीछे करके नंबर देंगे। इस तरीके से कोई भी नंबर हम दे सकते हैं, ताकि ये तो पता चले कि बच्चों ने नंबर कॉन्सेप्ट ठीक तरह सीखा कि नहीं। अब बच्चे पहले बोलेंगे ये नंबर कौन सा है, 2 नंबर को देखते हुए 2 की मैचिंग करेंगे। फिर बोलेंगे 5 को 5 के साथ मैचिंग करेंगे, 7 को 7 के साथ, 8 और ये कहेंगे 6 और ये है 10। इस तरह से बच्चों को हम आगे पीछे देकर भी मैचिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड में हम मैचिंग के कुछ और भी तरीके बता सकते हैं बच्चों को। सबको छोटे छोटे फिगर्स बना कर देंगे और यहाँ पर नंबर्स लिख के देंगे और बच्चों को बोलेंगे कि इन फिगर्स को काउंट करें और उसको मैच करें नंबर्स को। जैसे ये 1, सन कितने 1 है, तो ये 1 नंबर कहाँ है इसको देखते हुए बच्चे मैचिंग करेंगे।
सेकंड फिगर है एप्पल्स के, अब इसको काउंट करेंगे बच्चे, 1 2। अब इसमें 2 कहाँ लिखा हुआ है बच्चे, इसको देखकर मैचिंग करेंगे। अब यहाँ पे फिगर बनी हुई है बैट की, अब बच्चे पहले काउंट करेंगे 1 2 3। अब 3 फिगर कहाँ बना हुआ है, ये अब इसको, इस फिगर को देखेंगे 1 2 3 4। पहले बच्चे काउंट करेंगे, फिर अब इसके नंबर्स को मैच करेंगे। इस तरीके से बॉल कितने पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, और 5 नंबर को मैच करेंगे। इस तरीके से हम छोटे छोटे फिगर्स बना के बच्चों को मैचिंग सिखा सकते हैं। 1 2 5 की मैचिंग करवाने के बाद हम बच्चों को 6 से 10 तक के कुछ और भी फिगर्स बनाकर दे सकते हैं और उनको मैचिंग करने के लिए कहेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चों को नंबर कॉन्सेप्ट ठीक तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे इन फिगर्स को पहले काउंट करेंगे और बोलते हुए जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 फिगर बना हुआ है, तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे इसमें 6 नंबर कौन सा है। अब बच्चों को 1 से 10 तक काउंटिंग आ गया तो उन्हें नंबर की पहचान भी हो जाएगी इस टाइम। तो फिर बच्चे इसको देखते हुए इस नंबर को 6 नंबर के साथ मैच करेंगे, इस फिगर को 6 नंबर के साथ मैच करेंगे। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट फिगर को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ऑरेंज बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पे पढ़ते हुए जाएंगे और इस 7 नंबर को के साथ मैचिंग करेंगे। इसके बाद बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट फिगर देखेंगे, जैसे पेंसिल की फिगर बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों को पहले बोलना है, इसके बाद यहाँ पर नंबर्स को पहचानते हुए इसको मैच करना। फिर यहाँ पे बच्चों की 1% टॉफियां बनी हुई है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बच्चे यहाँ पे 9 ट्रॉफी गिनेंगे और 9 नंबर को पहचानते हुए इसमें मैचिंग करेंगे। इसके बाद बच्चों की 1% लॉलीपॉप वगैरह बने हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से बच्चे बार बार नंबर्स फिगर पर पढ़ेंगे और फिर इसकी मैचिंग करेंगे। इस तरह से मैचिंग हमें बार बार बच्चों को करवाना है, फिगर छोटे छोटे बनाकर देना है और नंबर्स को हम आगे पीछे भी दे सकते हैं, और ताकि बच्चे इसे आसानी से नंबर कॉन्सेप्ट को समझ सकें। नेक्स्ट मेथड में हम बच्चों को सिंपल फिगर बना के देंगे इस तरीके से और उनको कहेंगे काउंट करें, काउंट करने के बाद उस नंबर को लिखें, है ना। काउंट एंड राइट द नंबर, जैसे ये बना हुआ है सन और बच्चे काउंट करेंगे ये 1, तो ये 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे इस बैट को काउंट करेंगे 1 2, 2 बैट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। इस तरीके से ये स्टार्स को काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 स्टार्स। फिर इस आइसक्रीम को काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे 4। फिर इसके बाद बॉल को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। इससे हमें ये पता चलेगा बच्चों को ठीक प्रकार से नंबर्स उनके दिमाग में बैठा है या नहीं। अब हम बच्चों को कुछ और फिगर बनाकर दे सकते हैं और उनको छोटे छोटे फिगर बना के दें और उनको बोले काउंट करने के लिए, जैसे यहाँ पे ऑरेंज के फिगर्स बने हुए हैं, अब इसे काउंट करेंगे बच्चे 1 2 3 4 5 6। अब 6 काउंट करने के बाद बच्चे यहाँ पर 6 लिखेंगे। इसके बाद अब बच्चों को बोलेंगे कि इन बनानास को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 कैसे लिखना है, बच्चे यहाँ पर
इस रेस में पता चलेगा कि बच्चों के अंदर नंबर कॉन्सेप्ट ठीक से डेवलप हुआ कि नहीं। अब बच्चे इन ट्रॉफीज को गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ बच्चे 8 लिखे। इस तरीके से अब इन लॉलीपॉप्स को गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और यहाँ पर 9। अब यहाँ पे स्टार्स गिनेंगे बच्चे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और बच्चे यहाँ पे लिखेंगे 1, 0, 10। ये नंबर सीक्वेंस में और नंबर ठीक तरह से उनके दिमाग में ये बैठा है या नहीं बैठा। नेक्स्ट लेसन में हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि व्हाट कम्स आफ्टर, मतलब पहले तो बच्चे नंबर पढ़ेंगे, इसके बाद बताएंगे कि जैसे 1 नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है। जैसे हमने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक बच्चों को सीक्वेंस में लिखना सिखा दिया है, तो बच्चे एक बोलेंगे 1 के बाद क्या आया, 2। तो मतलब 1 के नीचे का जो नंबर है वही व्हाट कम्स आफ्टर है। पहले तो हमें ये समझाना बच्चों को, 1 के नीचे क्या आया, 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4। इस तरीके से बच्चे बोलेंगे। और यहाँ पे व्हाट कम्स आफ्टर भी इसी तरीके से हम कर सकते हैं, 1 के बाद क्या आया, तो बच्चे वहां से बोलेंगे 1 के बाद 2। पहले बच्चों को 1 से 10 तक वर्बल आ जाना चाहिए बोलना, इसके बाद बच्चे ये आसानी से कर सकते हैं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या आता है 6, और 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, और 9 के बाद 1, 0, 10। इस तरीके से बच्चों को हम इस मेथड के द्वारा भी 1 से 10 तक नंबर कॉन्सेप्ट डेवलप करवा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हम बच्चों को बताएंगे व्हाट कम्स इन बिटवीन। इन बिटवीन मतलब दो नंबर के बीच में कौन सा नंबर आता है। तो बच्चे जैसे 1 से लेकर 10 तक बच्चे काउंटिंग करना सीख गए, तो बच्चे आसानी से बता सकते हैं कि 1 के बाद क्या आएगा और इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। तो 1 और 3, जैसे 1 और 3 नंबर के बीच में क्या आया, 2। 2 और 4 नंबर के बीच में क्या आया, 3। 4 और 6 नंबर के बीच में क्या आया, 5। 6 और 8 के बीच में 7। 8 और 10 के बीच में 9। पहले हम इस तरह से नंबर को पहचान करवाएंगे, इसके बाद बच्चों को ये वाला देंगे व्हाट कम्स इन बिटवीन, और बच्चे इसे बोलते हुए बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे बच्चे बोलेंगे 1, 1 के बाद क्या हुआ, 2, 2 के बाद 3, इसका मतलब 1 और 3 के बीच में क्या आया, 2। 4 के बाद क्या हुआ, 5, 5 के बाद क्या आएगा, 6। तो 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 5। 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 2 के बाद 3। ये व्हाट कम्स आफ्टर की तरह ही होता है, इस तरह से हम बच्चों को समझा सकते हैं। 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। इस तरीके से 7 और 9 के बीच में कौन सा नंबर आया, 8। और 8 के बाद क्या आएगा, 9। और 9 के बाद 10। और 8 और 10 के बीच में कौन सा नंबर है, 9 नंबर है। इस तरीके से इस पैटर्न के द्वारा भी हम बच्चों को 1 से 10 नंबर कॉन्सेप्ट डेवलप करा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड में हम बच्चों को ऑड वन आउट करवाएंगे, इससे भी हम बच्चों के अंदर नंबर कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बच्चों कहेंगे कि इस नंबर को पहचानो और इस नंबर में इसको पढ़ते जाओ, और जो भी ऑड नंबर दिखता है इसको देखते हुए उसी नंबर को यहाँ पे सर्कल करना है। पहले आप यहाँ पे लिख के देंगे और इसी को यहाँ पहचानते हुए बच्चे उसको सर्कल करेंगे। अब जैसे बच्चों ने पढ़ा यहाँ पे 2, अब इसको पढ़ेंगे 3, 3, 2, 3। तो ये 2 ऑड नंबर है, इस 3 के अंदर उसी तरह से इस 3 को पढ़ेंगे और यहाँ पे बोलते जाएंगे 7, 3, 7, 7। यहाँ पे कौन सा नंबर ऑड हुआ, ये वाला 3। अब बच्चे इसको पढ़ेंगे 5। अब यहाँ पे भी नंबर्स को पढ़ेंगे 4, 4, 4, 5।
अब इस ग्रुप में ये 5 नंबर ऑड हुआ। उसके बाद पढ़ेंगे 7, फिर पढ़ेंगे 9, 7, 9, 9। अब इस ग्रुप में 7 ऑड नंबर हुआ। उसके बाद पढ़ेंगे 9 और 9 को फिर यहाँ पढ़ेंगे 8, 8, 8, 9। अब ये ऑड हुआ। इस तरीके से हम बच्चों के अंदर नंबर कॉन्सेप्ट डेवलप करा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड में हम बच्चों को एक प्लेन पेपर देंगे और इसमें कुछ एक्टिविटी करवाएंगे। इन्हें इस तरह से हम एक रफ डॉट बनाकर देंगे और इसमें नंबर लिख के देंगे। जैसे यहाँ पे एक काइट की फिगर बनी हुई है और यहाँ पे नंबर लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बच्चों को पहले इंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम 1 के बाद 2 को मिलाना है, 2 के बाद 3, इस तरह से मिलाते हुए 6 के बाद वापस 1 पर जाना है। तो बच्चे क्या करेंगे, 1 पे अपनी पेंसिल रखेंगे और धीरे धीरे इन डॉट्स को आपस में मिलाते हुए 2 पे जाएंगे। देन 2 के बाद धीरे धीरे इस डॉट्स को मिलाते हुए 3 पे जाएंगे। देन 3 के बाद 4 पे और 4 के बाद 5 पे, और 5 के बाद क्या आता है, 6। तो इस तरह से इस लाइन को क्रॉस करते हुए और डॉट्स को मिलाते हुए बच्चे 6 पे जाएंगे और इसको बोलते हुए भी जाएंगे और 6 के बाद हमें वापस 1 पर आना है। इस तरीके से हम बच्चों को डॉट्स मिलाकर और इसमें कोई भी अच्छा कलर करवा सकते हैं उनकी मनपसंद का। इस तरीके से हमने इस वीडियो में डिफरेंट मेथड्स के थ्रू बच्चों को किस प्रकार से 1 to 10 कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है और उनको नंबर की कैसे पहचान करवानी है और डिफरेंट टेक्निक के द्वारा हमने बच्चों को इस वीडियो में बताया। तो आप बार बार इस सब एक्टिविटीज़ को रिपीट करवा के बच्चों के अंदर नंबर कॉन्सेप्ट डेवलप करवा सकते हैं। आपको हमारा ये पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं।